Hello guys, welcome to Manure Education. So all the BHCET aspirants alphabetical list out हो गई है. List out हुई थी 26th of August 2023 को. And इसके regarding जितने भी students के form में discrepancy है, document में error है, अब जो है कि आप आपका form edit कर सकते हो, grievance submit कर सकते हो and it will be available till 29th of August 2023. So ये जो particular list है, ये round 1 की alphabetical list publish हुई है. So जितने भी students के अब documents में error है, final merit list में आपका नाम लाने के लिए आपको जितने भी document में एरर है वो है जो आपको अभी क्लियर करने होंगे ग्रीवियंस राउंड के थ्रू. सो इस ग्रीवियंस सबमिशन का लास्ट डेट इज 29th of August. सो आज का दिन है आपके पास. सो आप जो भी एरर्स है वो फिक्स करके आपका फॉर्म फिर से सबमिट कर सकते हो. महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर, NRI कैंडिडेट, सबके लिए जो है अलग अलग लिस्ट पब्लिश हो गई है. सो वहाँ पर जो है आप जाके आपका नाम चेक कर सकते हो. इस पर्टिकुलर अपडेट को देखने के लिए गाइस ऑल यू हैव टू डू इज विजिट सीटी सेल वेबसाइट, बीएड पर आ जाना है एंड यहाँ नोटिफिकेशंस में आप देख सकते हो, वन बाय वन एक एक लिस्ट आप चेक कर सकते हो. सो विल स्टार्ट विद महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स आपकी मेंशन है, आपका कैप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, योर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कैंडिडेटर टाइप, माइनॉरिटी स्टेटस, योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड जो रिमार्क्स है आपके एप्लीकेशन को लेकर वो भी यहाँ पे पब्लिश हो गए हैं, वो भी आप देख सकते हो. अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स का नेम येलो कॉलम में फिल किया गया है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, एरर है. सो येस, वो आपको फिक्स करने हैं. सो काइंडली चेक दिस लिस्ट, चेक योर नेम एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू डू द चेंजेस. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स के आगे कन्फर्म लिखा है, सो येस आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर नहीं है. You all can check your name again in the final merit list. But अभी जितने भी students के name में येलो कॉलम है, definitely आपके जो documents में error है, so you all have to fix that. Apart from this, कुछ important instructions भी आई है list में, which again says if there is any discrepancy in the data, then candidates should edit their application form during the grievance period as per the schedule and again submit their CAP application form. So आपका जो आपका form है वो फिर से जो है submit करना पड़ेगा. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करने वाले हो, जो भी राइट इन्फॉर्मेशन या राइट डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो, उसके बेसिस पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम डिस्प्ले किया जाएगा एज पर द शेड्यूल. एंड नो ग्रीवियंस अबाउट द करेक्शन विल बी एंटरटेन बाय द सीईटी सेल ऑन पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड अलॉटमेंट फॉर द फर्स्ट राउंड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट. फाइनल मेरिट लिस्ट जब रिलीज होगी, तब अगर कोई भी आपने रेस किया ग्रीवियंसेस को लेकर या आप तभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में एरर करवाना होगा, तब वो चीज़ एंटरटेन नहीं की जाएगी, बिकॉज आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है आपका सीट अलॉटमेंट होने वाला है. फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पे जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आगे जो है अब प्रोसेस होने वाला है. सो जितने भी कैंडिडेट्स है, दैट इज टोटल 3,764 कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स आर हैविंग डिस्क्रिपेंसी, नाउ यू ऑल विल बी एबल टू एडिट, रिमूव, अपलोड द न्यू डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द ग्रीवियंस पीरियड फ्रॉम 26th August 2023 टिल 29th of August 2023. सो आपकी डेडलाइन है कल की, दैट इज 29th of August एज पर द शेड्यूल. एंड इफ द कैंडिडेट्स रिमूव द डिस्क्रिपेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, दे आर नेम्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट. सो येस, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में लिए कंसिडर किए जाओगे. एंड अगेन, जितने भी स्टूडेंट्स के नाम के आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी, दीज कैंडिडेट्स मस्ट रिमूव द डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द गिवन ग्रीवियंस पीरियड. एंड ये जितने भी स्टूडेंट्स है, दैट इज टोटल 3,764 स्टूडेंट्स के आगे, नाम के आगे जितना भी रिमार्क्स है, दैट इज डॉक्यूमेंट हैविंग डिस्क्रिपेंसी, आप लोगों को कॉलेज में एडमिट तभी ही किया जाएगा वंस यू ऑल विल क्लियर ऑल द एरर्स, ऑल द डिस्क्रिपेंसी एंड देन ओनली कॉलेज विल बी एडमिटिंग यू ऑल. ओनली देन जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ओनली देन जो है आपका सीट अलॉटमेंट होने वाला है. सो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, ये बहुत क्रूशियल है. मेक श्योर जितने भी एरर्स है आप उसको फिक्स कर लो, सो दैट आगे जो है कैप राउंड के प्रोसेस के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम जितने भी स्टूडेंट्स है जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है, आपको ये पर्टिकुलर लिस्ट चेक करनी है. यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके नाम के आगे ऐसा रिमार्क आ रहा है, दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है. आपको डॉक्यूमेंट्स रिमूव करके आपका फॉर्म एडिट करके फिर से सबमिट करना है, सो दैट आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओ. सो जितने भी आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स है, आपको आपका जो नाम है इस पर्टिकुलर लिस्ट में चेक कर लेना है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हू बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी,
आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट चेक करनी है. सो यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट का नेम है जिसके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है. सो काइंडली फिक्स दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट. एंड मेक श्योर यू रिमूव द डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द ग्रीवियंस पीरियड. नेक्स्ट, ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर NRI, OCI, PIO candidates, you all have to check this list. Make sure that आपके documents में जो भी discrepancy है आप correct document upload कर लो deadline से पहले पहले. Next, you all can check out this list also for all those candidates whose forms are incomplete and not locked. जितने भी students का form incomplete रह गया है, lock नहीं हुआ है, so आप जो है ये particular list भी check कर लेना. इसमें जो है सारे students आते हैं जो कि महाराष्ट्र state students है, outside महाराष्ट्र state students है. Make sure you check out this list as well. And here you all can see the status of your application, which says if your application form is incomplete or your application form is complete but not locked, make sure you check this list out as well, so that aap jo hai jo bhi step aapka incomplete reh gaya, miss out ho gaya hai, aap usko complete kar sakte ho. Here it says that about 2,697 candidates can be eligible for round 1 if they update their application during the grievance period from 26th August 2023 to 29th August 2023. So make sure that all the candidates, all the 84 candidates who have kept the application form incomplete, these candidates can complete the online application form and upload the relevant documents during the grievance period, that is from 26th August to 29th August. Other than this, you all can also check out this summary page. यहाँ पे जो है entire information display की गई है, so ये भी आप देख सकते हो. But make sure that जितने भी students के documents में error है आप उसको fix कर लो, so that you all are eligible for the final merit list. So yes guys, ये थी update about the alphabetical merit list. Go ahead and check out your name, and again I'm repeating, deadline से पहले पहले सारे documents के grievances correct कर सकते हो आप, correct document upload कर लो, so that आपका एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद प्रोसेस जो है एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. फिर जो है आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, एंड देन कैप राउंड 2 भी अकॉर्डिंगली स्टार्ट होगा. सो मेक श्योर आप इस प्रोसेस तक सबके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्लियर करके सॉर्टेड कर दो, सो दैट एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप एलिजिबल हो गए, देन जो है कि आगे का प्रोसेस काफ़ी सीमलेसली हो जाए एडमिशन प्रोसेस तक. सो यस गाइज, दिस वॉज द अपडेट अबाउट द कैप राउंड 1 फॉर द अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल. ऑल्सो ऐसी ही अपडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेन्यूवर बी एड एंट्रेंस चैनल, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूवर एजुकेशन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेन्यूवर बी एड एंट्रेंस. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी और कैन डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए कैप राउंड के नंबर पर भी आप कॉल करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इसकी जो डेडलाइन है दैट इज 29th ऑफ अगस्त 2023 जो कि कल की है. सो कल की डेट से पहले पहले मेक श्योर डेट आप ग्रीवियंस में पार्टिसिपेट करके जो भी डॉक्यूमेंट्स में एरर है वो आप रेक्टिफाई कर लो. सो एज गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो.